हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मल्टीविटामिन कैप्सूल के बारे में, टैबलेट के बारे में। आज पूरा जानकारी देंगे कि आप लोगों को कौन सी मल्टीविटामिन अच्छा है। आज हम पूरा जानकारी देंगे। मल्टीविटामिन आपको मार्केट में बहुत सारे मिलेगी, जैसे जिंकोविट टैबलेट आता है, रिवाइटल आता है, ए टू जेड टैबलेट आता है। उसमें आपको कौन सी टैबलेट आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो आज हम पूरा जानकारी आप लोगों को देंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं रिवाइटल के बारे में। जो रिवाइटल टैबलेट जो होता है वो मल्टीविटामिन होता है, मिनरल होता है। उसमें आप लेने से आपको हेल्थ को अच्छा रहता है, कमज़ोरी महसूस नहीं होता है, थकान दूर करता है, आपका बॉडी को स्ट्रॉन्ग फील आता है, जैसे आपको थकान को दूर करता है। तो जिंकोविट टैबलेट जो होता है उसमें बहुत सारे विटामिन रहता है, जैसे मल्टीविटामिन रहता है, मिनरल रहता है, विटामिन B12, B6, विटामिन ए, बहुत सारे विटामिन रहते हैं जिंकोविट में। तो बहुत सारे अच्छा है, जिंकोविट टैबलेट बहुत अच्छा है, तो ये भी आप ले सकते हैं। जिंकोविट टैबलेट बहुत अच्छा है। और उसके बाद आता है आपका ए टू जेड टैबलेट, जो उसमें भी रहता है मल्टीविटामिन मिनरल रहता है, उसमें भी बहुत सारे विटामिन रहते हैं, आप उसे भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो आपको ए टू जेड लेना है या जिंकोविट लेना है या रिवाइटल लेना है, तो आपको ये तीनों से कौन सी मल्टीविटामिन आपको लेना है, तो यहाँ से आप जिंकोविट टैबलेट बहुत अच्छा है आप ले सकते हैं, और ए टू जेड वो भी बहुत अच्छा है, दोनों से आप ले सकते हैं। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको हेल्दी रखेगा। उसको यूजेस आपको पता चल गया, आपके जो डोजेस के बारे में बताऊँगा, उसका डोजेस क्या है। आप दिन में ये वन टैबलेट ले सकते हैं, अगर ज़्यादा वीक हो तो टू टैबलेट ले सकते हैं खाना खाने के बाद। तो उसका साइड इफेक्ट ज़्यादातर दिखाई नहीं दिया। उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट ज़्यादा ओवरडोज लेने से आप दो तीन महीने आप ले सकते हैं, नॉर्मली दो तीन महीने ले सकते हैं, एक महीने ले सकते हैं, ज़्यादा लेने से छः महीने लेने से, तीन महीने लेने से आपको उसका गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका बीपी हाई हो सकता है, ये सब आपको जो ब्लड प्रेशर है वो भी हाई हो सकता है। तो आप उसे नॉर्मल लेने के लिए एक महीने, डेढ़ महीने, दो महीने ले सकते हैं। उसका साइड इफेक्ट आपको कुछ ज़्यादा नहीं है, विटामिन मिनरल वो गैस का प्रॉब्लम हो सकता है और लूज मोशन हो सकता है, ज़्यादा लेने से आपका लूज मोशन हो सकता है। तो आप लोगों को पता चल गया है जिंकोविट टैबलेट, ए टू जेड टैबलेट और रिवाइटल के बारे में कौन सी अच्छा है, और ये तीनों से कौन सी टैबलेट अच्छा है। आप जिंकोविट ले सकते हैं या ए टू जेड ले सकते हैं, ये दोनों से एक ले सकते हैं, बहुत अच्छा टैबलेट है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।